Assalamu alaikum students. Students, class 7th, subject maths, chapter number 1, name है sets और हमारा topic का नाम है disjoint and overlapping sets. Students, यहाँ पे हम दो definitions आज पढ़ेंगे, disjoint and overlapping sets. तो सबसे पहले हमारी जो first definition है वो है disjoint sets. इसके definition को मैं read कर रहा हूँ. Two sets A and B are said to be disjoint sets if there is no common element between them. यानी कि दो sets अगर A और B हैं हमारे पास और उनका उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ऐसे सेट को स्टूडेंट्स हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स. एक और तरीके से हम इसके डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो क्या है, वो ये है कि इन अदर वर्ड्स यानी कि दूसरे अल्फाज में देयर इंटरसेक्शन, उनका इंटरसेक्शन इज़ एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट होना चाहिए. यानी कि दूसरे अल्फाज में उन दोनों सेट्स यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, एम्प्टी सेट होना चाहिए. तो ये स्टूडेंट्स सेट्स ए और बी ही नहीं हो सकते, सेट्स कुछ भी हो सकते हैं, इनका नाम कुछ भी हो सकता है, एल एम हो सकता है, पी क्या वो हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, कुछ भी सेट्स का नाम हम रख सकते हैं. तो यहाँ पे ए भी रखा हुआ है तो हम कहेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, वो एम्प्टी सेट के बराबर आना चाहिए. तो स्टूडेंट्स ये इसकी कंडीशन है, ये कंडीशन को मैं ग्रीन बॉक्स में हाईलाइट कर रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. ए और बी का इंटरसेक्शन यानी कि तुकाते, इस उल्टे यू को जो हमने लिखा हुआ है, इस सिंबल को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, उर्दू में बोलते हैं तुकाते. ए तुकाते बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. ये जो आगे जीरो के ऊपर कट का निशान लगाया हुआ है इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं एम्प्टी सेट. ये एम्प्टी सेट का सिंबल है. स्टूडेंट्स एम्प्टी सेट को हम ज़ीरो नहीं बोल सकते, अगर ज़ीरो बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा. और एम्प्टी सेट को स्टूडेंट्स लिखने का एक और भी तरीका है, इसको हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, वो क्या है, वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. ये जो स्टूडेंट्स ये जो दो ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं दरमियान में एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसको भी हम एम्प्टी सेट बोलते हैं. तो एम्प्टी सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं. तो आगे स्टूडेंट्स इसके हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे, एग्ज़ाम्पल से हमें जो है बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी. तो एग्ज़ाम्पल में स्टूडेंट्स हम दो सेट्स लेट करेंगे. एक सेट है ए हमारे पास, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, और एक और सेट है बी, उसके एलिमेंट्स हैं 4, 5 एंड 6. तो अगर हमने इनको चेक करना है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं तो हम इनका इंटरसेक्शन लेके चेक करेंगे, और इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट आ गया तो हम बोलेंगे ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, और अगर एम्प्टी सेट ना आया तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे. तो देखते हैं हम. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले हम ए के एलिमेंट्स देखते हैं कि ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3 और बी के एलिमेंट्स हैं 4, 5 एंड 6. तो ए का फर्स्ट एलिमेंट देखें 1, क्या ये बी में मौजूद है, नहीं ये बी में मौजूद नहीं है. 2 को देखें, 2 क्या बी में मौजूद है, नहीं है. ए का आप तीसरा एलिमेंट 3 है, इसको देखें क्या ये बी में मौजूद है, नहीं है. जी स्टूडेंट्स ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि सेट बी में मौजूद है. तो लिहाजा अब ये दोनों सेट्स ऐसे हैं, इनका कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा. तो ऐसे एलिमेंट्स का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी जब हम लेके चेक करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा एम्प्टी सेट. तो अगर ए इंटरसेक्शन बी दो सेट्स का एम्प्टी सेट आ जाता है तो ऐसे सेट्स को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स. तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी. आगे हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ओवरलैपिंग सेट्स. तो ओवरलैपिंग सेट्स की डेफिनेशन को स्टूडेंट्स मैं रीड करता हूँ. टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ़ देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन दैम. यानी कि यहाँ भी हमने दो ही सेट लेने हैं ए और बी, और उनका इंटरसेक्शन लेके हमने चेक करना है. अगर इंटरसेक्शन अगर हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आए यानी कि एम्प्टी सेट ना आए तो ऐसे सेट्स को हम बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट्स. अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स, यानी कि ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे अगर उनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए. यानी कि ऐसा ना हो कि कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो वो तो डिसजॉइंट सेट बन जाएगा. तो ओवरलैपिंग सेट्स वो होते हैं जिनमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि कॉमन हो. तो इन अदर वर्ड्स एक और तरीके से हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि देयर इंटरसेक्शन इज़ नॉन एम्प्टी सेट. अगर हम उनका इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास जो आंसर है वो नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए. यानी कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, नॉट इक्वल्स टू, ये जो बराबर के ऊपर ये जो लाइन लगाई हुई है इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट.
तो ये ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं स्टूडेंट्स। इसकी हम एग्ज़ाम्पल को जो है देखते हैं तो हमें मज़ीद बात और क्लियर हो जाएगी। तो एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स इसकी ये है, यहाँ पे हम दो सेट्स लेट करेंगे। सेट ए है एक, उसके एलिमेंट्स हैं 0, 5 और 10, और एक और सेट है बी, उसके एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स 1, 3, 5 एंड 7। तो स्टूडेंट्स अगर हमने इन सेट्स को ए और बी को चेक करना है कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो हमने इनका इंटरसेक्शन लेके चेक करना है। अगर इनका इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स आ जाता है एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट आ गया तो ये तो ऊपर वाली कंडीशन बन जाएगी, डिसजॉइंट सेट्स बन जाएंगे। तो हम इनका इंटरसेक्शन लेके चेक करते हैं कि ए का फर्स्ट एलिमेंट देखें 0, क्या ये बी सेट में मौजूद है? नहीं जी, नहीं है। ए का सेकेंड एलिमेंट देखें 5, क्या 5 बी में मौजूद है? जी हाँ, 5 बी में मौजूद है। तो आगे 10 को देखें, 10 बी में मौजूद है? नहीं जी, 10 बी में मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 एक ऐसा एलिमेंट है, 5 जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी मौजूद है। तो अब हम अगर इसका इंटरसेक्शन लेके चेक करते हैं तो इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स इसका आएगा 5 ही इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। यही चीज़ तो कॉमन है, जो चीज़ कॉमन होती है वही इंटरसेक्शन होता है। तो हेयर ए एंड बी, हेयर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो इंटरसेक्शन की जगह पे ये जो एम्प्टी सेट नहीं आया बल्कि आंसर हमारे पास आया है अब 5। तो अब हमारे पास आंसर एम्प्टी सेट नहीं आया बल्कि कुछ ना कुछ आया है, इसलिए अब हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि हेयर यहाँ पे जो है ए इंटरसेक्शन बी हमने जब लिया है नॉट इक्वल्स टू आया है एम्प्टी सेट, वो एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं आया। तो जब एम्प्टी सेट के इक्वल इंटरसेक्शन नहीं आता होता तो ऐसे सेट्स को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। तो इन दो डेफिनेशन के रिलेटेड हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.3 है, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी स्टेटमेंट को मैं रीड कर रहा हूँ। लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। पार्ट नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट्स हम, कि पार्ट नंबर 1 है ए एक सेट दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी और ई, और एक और सेट है बी, उसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं डी ई एफ जी एच। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये जो है ना, इसमें हमने डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स हैं ना जो, उनको अलग अलग करना है। हमने बताना है कि ये जो दो सेट्स दिए हुए हैं ये डिसजॉइंट सेट्स हैं या ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है, या हमने डिसजॉइंट चेक करना है या ओवरलैपिंग चेक करना है, जो भी हमने चेक करना है ना, हमने लेना पहले इंटरसेक्शन ही है। इंटरसेक्शन लेंगे, अगर हमारे पास इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाता है तो वो डिसजॉइंट होगा, और अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं आता तो वो ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। तो यहाँ पे इसका सलूशन स्टूडेंट्स हम देखते हैं। पहले हम ये चेक कर लें कि क्या ए में, क्या ए के जो एलिमेंट्स हैं जो कि ए बी सी डी ई हैं, इनमें से कोई भी एलिमेंट बी में मौजूद है। तो ए को देखें स्टूडेंट्स, स्मॉल ए है जो, क्या ये बी में मौजूद है? जी नहीं, बी में मौजूद नहीं है। आगे स्मॉल बी को देखें, स्मॉल बी कैपिटल बी सेट में मौजूद है? नहीं है। स्मॉल सी को देखें, क्या ये सेट बी में मौजूद है? नहीं है, सॉरी। आगे स्मॉल डी को देखें, जी हाँ ये डी मौजूद है। तो स्मॉल ए को देखें, जी स्मॉल ए भी मौजूद है। तो स्टूडेंट्स डी और ई ऐसे एलिमेंट्स हैं, डी और ई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो लिहाजा जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे ए और बी का, तो वो क्या आएगा? डी और ई आ जाएगा। सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, हेयर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू डी कोमा ई, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट तो नहीं ना आया स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट तो वो होता है जब कुछ भी आंसर हमारे पास ना आए, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, ये किसकी कंडीशन थी स्टूडेंट्स? सो ये स्टूडेंट्स थी ओवरलैपिंग सेट्स की कंडीशन। सो ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन हमने लिया है वो नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट आया है, एम्प्टी सेट के बराबर नहीं आया। तो ऐसे सेट्स को स्टूडेंट्स हम बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। जी आगे हम जो है इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। उसमें भी हमारे पास दो स्टूडेंट्स दिए हुए हैं सेट्स, ए का नेम है एल, उसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10, और एक और हमारे पास सेट है एम, उसके एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9 एंड 12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं
ए सेट एल को, सेट एल का फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं टू है, क्या टू सेट एम में मौजूद है? नहीं है। फोर सेट एम में मौजूद है? नहीं है। आगे सिक्स को देखें, सेट एम में मौजूद है? जी हाँ, सिक्स सेट एम में मौजूद है। आगे एट को देखें, क्या एट मौजूद है? जी नहीं, एट मौजूद नहीं है। आगे टेन को देखें, क्या टेन एम में मौजूद है? जी नहीं। तो लिहाजा यहाँ पे हमने देखा कि एक स्टूडेंट्स एक ऐसा एलिमेंट एक है सिर्फ सिक्स है जो कि दोनों में मौजूद है, और इसका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे फिर हमारे पास क्या आएगा? इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स सिक्स ही आएगा। तो यहाँ पे मैं लेके देखता हूँ, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। हेयर एल इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू सिक्स। तो एल और एम का अगर हमने इंटरसेक्शन लिया है वो सिक्स आया है, तो क्या स्टूडेंट्स ये एम्प्टी सेट है? जी नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है। हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आया, देखें सिक्स आंसर आया, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। खाली सेट तो नहीं है, कुछ ना कुछ मौजूद है। तो जब खाली सेट नहीं आता, यानी कि एम्प्टी सेट आंसर नहीं आता, एल इंटरसेक्शन एम इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, सो ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो फिर हम ए और बी को क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग सेट। यहाँ पे स्टूडेंट्स ए और बी लिखा हुआ है, यहाँ पे एल और एम आना है, एल और एम, तो एल और एम आर ओवरलैपिंग सेट्स। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं हम, इसका पार्ट नंबर थ्री है। पार्ट नंबर थ्री में स्टूडेंट्स दो सेट्स दिए हुए हैं, पी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और एक और सेट है हमारे पास सी इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। स्टूडेंट्स पहले सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को हम देखते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं क्या असल में? स्टूडेंट्स सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, टू फैक्टर्स होते हैं जिनके, एक तो फैक्टर वन होता है और एक फैक्टर वो होता है जिस पर वो खुद डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि अगर हम टू को देखें, टू वन पर भी डिवाइड हो जाता है और टू टू पर भी डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर हम थ्री को देखें, थ्री भी एक ऐसा एलिमेंट है जो या तो वन पर डिवाइड होगा या अपने आप पर डिवाइड होगा। इस तरह फाइव, इस तरह सेवन, इलेवन, थर्टीन, इनके दो दो फैक्टर्स होते हैं, या तो ये अपने आप पर डिवाइड होते हैं या वन पर डिवाइड होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे नंबर्स जिनको जिनके दो फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे कंपोजिट लिखा हुआ है, कंपोजिट का मतलब होता है दो से ज़्यादा, ठीक है। तो कंपोजिट में फिर हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनके फैक्टर्स दो से ज़्यादा होंगे। दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स किस तरह होंगे कि एक तो वन, वन तो स्टूडेंट प्राइम नंबर्स का भी फैक्टर होता है, वन ऐसा नंबर है जो हर किसी को डिवाइड कर देता है, तो ये वन पर भी डिवाइड होंगे कंपोजिट नंबर्स, अपने आप पर भी डिवाइड होंगे, और इसके अलावा किसी और तीसरे नंबर पर भी ये डिवाइड होंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें हम फोर को देखते हैं, फोर वन पर भी डिवाइड हो जाता है, फोर अपने आप पर यानी कि फोर पर भी डिवाइड हो जाता है, और फोर इन दो के अलावा एक और नंबर पर भी डिवाइड होता है यानी कि टू पर। तो इसके कितने फैक्टर्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स? तीन फैक्टर्स बन रहे हैं। तो दो से ज़्यादा फैक्टर्स बन गए ना, देखें। तो ऐसे ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। सोल्यूशन इसका क्या होगा जी? सोल्यूशन हेयर पी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। जो पी में हमारे पास पी सेट में मौजूद हैं टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन, और सी में मौजूद हैं फोर सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व। जो सेट पी में मौजूद हैं वो सी में नहीं है, जो सी में हैं वो पी में नहीं है। तो लिहाजा इनका इंटरसेक्शन हम लेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। और अगर इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी सेट आता है स्टूडेंट्स, जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स की यही कंडीशन थी कि दो सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन लें और अगर वो एम्प्टी सेट आ जाए तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर फोर है, लास्ट पार्ट है इसका। तो ए यहाँ पे दो सेट्स दिए हुए हैं, एक सेट है ई यानी कि सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स स्टूडेंट्स वो होते हैं जो टू के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि टू फोर सिक्स एट, इस तरह टू सोन ये चलते जाते हैं, टेन ट्वेल्व इस तरह ये चलते ही जाएंगे। और स्टूडेंट्स एक और सेट है ओ इज इक्वल टू सेट ऑफ ओड नंबर्स। ओड नंबर्स स्टूडेंट्स वो होते हैं जो टू के टेबल पर डिवाइड नहीं होते,
तो यहाँ पे दो सेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम ए सेट ऑफ इवन नंबर जो के यहाँ पे हमें दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8 एंड अप टू सो ऑन, और सेट ऑफ ओड नंबर जो के दिए हुए हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9 एंड अप टू सो ऑन, ये चलते ही जा रहे हैं। क्या इनमें स्टूडेंट्स कोई चीज़ आप लोगों को कॉमन दिखाई दे रही है? जी नहीं, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी, और अगर कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो उनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो हेयर ई इंटरसेक्शन ओ, यानी कि ई इंटरसेक्शन ओ, ई और ओ का इवन नंबर्स और ओड नंबर्स का अगर हमने इंटरसेक्शन लिया है वो एम्प्टी सेट आया। एम्प्टी सेट जब आ जाएगा तो ये हमारी कंडीशन होती है डिसजॉइंट सेट्स की, तो इनको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स डिसजॉइंट सेट्स। तो लिहाजा ये क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस जो हैं एंड हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी बात की। इस स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है और अच्छी तरह लिख लिख के देखना है इनको। कोई क्वेश्चन आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए इनमें से। स्टूडेंट्स अब हम जो है बुक से, अब हम बुक के पेज नंबर से देखते हैं कि ये जो हमने काम किया है बुक पर इनके पेज नंबर्स क्या क्या हैं। स्टूडेंट पहली जो हमने डेफिनेशन रीड की है वो है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स की ये पेज नंबर 9 है बुक पर। बुक पर पेज नंबर 9 दिया हुआ है, ये आप लोगों ने देख लेना है। और सेकंड डेफिनेशन जो हमने स्टूडेंट्स की है वो है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स का पेज नंबर 10 है, ये आप लोगों ने देख लेना है। ये सारी डेफिनेशन हमने आज पढ़ ली है, ये इसकी कंडीशन है, ये एग्जांपल वगैरह दी हुई हैं। आगे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो हैं स्टूडेंट पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पर एक्सरसाइज हमारी है 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है और उसके हमने 4 पार्ट्स स्टूडेंट्स कर लिए हैं। तो ये हमारा आज का काम था स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चन को आप लोगों ने लिख के देखना है, रजिस्टर पर होमवर्क करना है, इनको प्रैक्टिस करनी है, कोई चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।